नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंस्टाग्राम पे सपोर्ट रिक्वेस्ट का ऑप्शन क्यों दिया गया है और इसको कैसे यूज करते हैं और इसे यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे में एक प्रोफाइल आइकन का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको एक थ्री लाइन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे जाना है। जाने के बाद आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। अब आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक हेल्प का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक सपोर्ट रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई भी रिपोर्ट किए हैं, कोई भी रिपोर्ट को सबमिट किए हैं, तो उसको आप यहाँ से देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंस्टाग्राम पर अभी हम कोई भी रिपोर्ट सबमिट नहीं किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हमको ब्लैंक दिखा रहा है, कोई भी रिपोर्ट नहीं बता रहा है। अगर आप इंस्टाग्राम का कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सी कम्युनिटी गाइडलाइंस पे क्लिक करके यहाँ से उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक वायलेशन का ऑप्शन मिलता है, अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप इंस्टाग्राम पर कोई भी वायलेशन किए होंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हम इंस्टाग्राम पे कोई भी वायलेशन नहीं किए हुए हैं, तो यहाँ पे मेरा नहीं दिख रहा है। अब यहाँ से फिर भी आप इंस्टाग्राम का कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि इंस्टाग्राम पे सपोर्ट रिक्वेस्ट का ऑप्शन क्यों दिया गया है और इसको कैसे यूज करते हैं और इसे यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।